गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.3, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा, क्योंकि मैंने इसका क्वेश्चंस आप लोगों को बोले थे ट्राई करने के लिए। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज 7.3 में क्लास 9th क्वेश्चन फर्स्ट जो है, इसमें चार क्वेश्चन है। कितने हैं टोटल? 4 क्वेश्चन है, ठीक है। हमने क्वेश्चन यहाँ पर मैंने 3 लिख लिया है, एक उसी के रेफरेंस में CPCT यूज़ करके हम बना सकते हैं, इसलिए वो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसको करने के बाद तो आइए हम पहले इसको देख लेते हैं कि इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या बोला है, फर्स्ट कह रहा कि आप दिखाओ कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस होगा ACD के, ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंस होगा, ये दिखाने कह रहा है। तो ले लो दोनों ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है। आप इतना सा काम कर सकते हो बहुत अच्छे से। अब हमें क्या करना होता है, कॉन्ग्रुएंस हम कैसे दिखाते हैं, हम अपने क्राइटेरिया के लेवल पे, है ना। क्राइटेरिया हमारे पास 5 होते हैं, कोई भी एक हम सर्च करके उसको नाम दे के और हम बता सकते हैं कि उस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। अच्छा, हमारे पास गिवन क्या है, हम उस पर भी थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। गिवन है हमारे पास ABC और DBC क्या है, आइसोसेलस ट्रायंगल है। ABC ये ट्रायंगल और DBC ये ट्रायंगल, दोनों क्या है, आइसोसेलस। इसका मतलब ये कि ये वाला साइड इसके बराबर होगा, ये वाला साइड इसके बराबर होगा, दोनों आइसोसेलस है, ठीक है। तो आइए ABD और ACD, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या कि AB बराबर AC, गिवन है ना, ठीक है। अच्छा, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि BD ये वाली लाइन इसके बराबर है, BD इक्वल टू CD, ये भी हमारे पास क्या है, गिवन। अच्छा, इन दोनों ट्रायंगल को बनाने के लिए देखिए आप, ये वाली लाइन एक कॉमन आ रही है, तो AD इक्वल टू AD, ये क्या है, कॉमन, ये क्या है, दोनों में कॉमन है। अगर ये दोनों में कॉमन है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें एक चीज़ दिख रहा है कि बाय SSS, तीन साइड दिख रहा है, तो हम कह देंगे कि बाय SSS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, क्या कहेंगे इसका, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल ACD। तो ये बात हम बहुत आराम से बता सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला प्रूफ हो गया, ठीक है। आइए दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में क्या कहा है कि APB और ACB कॉन्ग्रुएंस दिखाओ। APB मतलब ये वाला ट्रायंगल और ACP ये वाला ट्रायंगल, दोनों क्या दिखाना, कॉन्ग्रुएंस। तो ले लीजिए आप इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, ठीक है। हमने दोनों ट्रायंगल ले लिया, तो आप लोग यहाँ देखिए जो हमने फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया है ना, ये इसमें से हम एक बात लिख सकते हैं क्या कि ABD मतलब ये वाला जो है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा इससे, अगर ये किससे, CPCT से, तो एंगल BAP इक्वल टू हो जाएगा, मतलब BAD आप लिख लो, इक्वल टू हो जाएगा एंगल CAP। ये बात हम लिख सकते हैं क्यों, CPCT से, क्योंकि ये अगर कॉन्ग्रुएंस है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है, सबसे पहले हम लिखेंगे AB इक्वल टू AC, इस पूरे ट्रायंगल में ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, एक बात बताइए, यहाँ से D तक आने में जितना एंगल बनाएगा, यहाँ से P तक आने में भी उतना ही एंगल बनाएगा, तो एंगल BAP इक्वल हो जाएगा एंगल CAP, ठीक है। और उसके बाद देखिए इन दोनों ट्रायंगल को बनाने में ये वाला पूरा AP क्या है, कॉमन है, तो AP इक्वल टू AP। तो हमने देख लिया कि साइड एंगल साइड मिल गया, है ना। तो बाय SAS क्राइटेरियन ऑफ सिमिलर ऑफ कॉन्ग्रुएंस हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल ACP,
ठीक है, तो ए बी पी इसका क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंस हो जाएगा। तो ये बात आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, हमें यही दिखाना। तो दूसरा पार्ट भी आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब कह रहा है कि तीसरे पार्ट में कह रहा है कि ए पी बाइसेक्ट एंगल ए, कह रहा है कि बताओ ए पी जो है, ए पी ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये एंगल इसके बराबर है, तो हम कह सकते थे कि इफ ट्राइंगल ए बी पी, तो ए बी डी कॉन्ग्रेंस, हमने क्या देखा, ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रेंस किसके दिखा दिया है, ट्राइंगल ए सी डी, है ना। अगर इसके कॉन्ग्रेंस हमने बोल दिया है, तो हमने सी पी सी टी से एक बात लिख दी थी, हमने सी पी सी टी से एक बात लिख दी थी कि एंगल बी ए डी जो होगा वो एंगल सी ए पी के बराबर होगा। इसका मतलब ये हो गया ना पार्ट वन से, है ना, इसका मतलब ये होगा कि ए पी जो है, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए, ए पी क्या कर रहा है, ए पी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। कह रहा है एज वेल एज एंगल डी, कह रहा है एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ देखिए अब, एंड हमने क्या करा है कि इन दोनों ट्राइंगल में ये कह रहा है कि एंगल डी को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो आप इसको भी तो इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं इन ट्राइंगल बी डी पी एंड ट्राइंगल सी डी पी। देखिए बी डी पी और सी डी पी, तो बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि बी डी बराबर सी डी, है ना, बी डी बराबर सी डी होगा। ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखा, जब इसको प्रूफ करा इसको कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंस है, तो इसका मतलब ये कि ये वाला साइड इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं क्या, कि बी पी इक्वल टू सी पी पार्ट सेकेंड पार्ट से हम ये बात बोल सकते हैं, पार्ट सेकेंड, है ना। अच्छा, और यहाँ पे एक बात और है कि ये लाइन दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों में क्या है कॉमन है। तो डी पी इक्वल टू डी पी कॉमन, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल बी डी पी कॉन्ग्रेंस होगा ट्राइंगल सी डी पी के। और जैसे ही कॉन्ग्रेंस होगा, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल बी डी पी इक्वल टू एंगल सी डी पी, ये बराबर हो जाएगा। अगर ये बात है, तो हम कह सकते हैं कि ए पी जो है, ए पी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल डी को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, अगर ये बात है तो, ये दे, ठीक है। ये कहाँ से आया, सी पी सी टी से। तो इतनी सी बात आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए।